हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजर्व क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे लूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तैयार किए गए थे, जो आपके लगभग इसके पहले 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाली है। तो पिछले क्लासेस को आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर की एग्जाम यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो मॉक टेस्ट से आपको भी इसका पता चल जाएगा लेवल क्वेश्चन का। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन में जो तैयार किए हैं लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो 85 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। यहाँ से हम 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मॉर्निंग में आपके लूसेंट की क्लास डलती है, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगी, चाहे कोई भी एग्जाम पर प्रिपरेशन कर, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लूसेंट मतलब सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट है। आपके सिलेबस में 20 से 25 नंबर आपका जीके जीएस से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 86 क्वेश्चन हमारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह जी, अब्दुल गफ्फार खान जी, सचिंद्र सान्याल या एम जी रानाडे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीन्द्र सान्याल करेक्ट आंसर हो जाए। इनके साथ रामप्रसाद बिस्मिल जी, जो का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो 1924 याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में गठन, ये आपके खास करके क्रांतिकारी संगठन था, जिसमें सतीन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल ये सभी इसके संस्थापक, इनके जो इन नेताओं के द्वारा इसको मिलकर इसका संगठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया थे, अध्यक्ष बने थे? कोलकाता अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या बेलगांव अधिवेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यह अधिवेशन वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। याद रखिए बेलगाम जो है आप कर्नाटक में आता है, तो 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में इसको आयोजित किया गया था। इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, और इसको डेट को भी याद रखना है। सन 1924 में इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची में कौन से यहाँ पे मेल नहीं खाते? एक तरफ आपका पुस्तक दिया गया, उसके पत्रिकाएं और उसके लेखक भी दिए गए। तो कौन सा पुस्तक, इसके लेखक कौन है, ऐसे टपके बनाना है इसको। तो मराठा जो पुस्तकें थे इसके लेखक कौन थे? आपके बी जी तिलक जी, हिंद स्वराज, इस पुस्तक के लेखक मोहम्मद अली इसके लेखक थे इस पत्रिका के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। इनमें से कौन मेल नहीं खाता, तो असत्य बताना है। तो ये आपका जो मराठा नहीं, ये आपका तो करेक्ट है, ये आपका सेकेंड वाला देखे हिंद स्वराज, इसके मोहम्मद अली नहीं, इसके जो लेखक थे हिंद स्वराज, ये आपके 1909 में इसको लाया गया था। 1909 में ये आपके हिंदू स्वराज मोहन चंद महात्मा गांधी जी के द्वारा इस पुस्तक, जिससे इंडियन होम रूल प्रकाशित किया गया था। इसका जो हिंदू स्वराज के लेखक आपके महात्मा गांधी जी, भारतीय संघर्ष या इसको इंडियन स्ट्रगलर के नाम से जाना जाता है, द इंडियन स्ट्रगलर, इसके जो लेखक है एस सी बोस जी हैं। और न्यू इंडिया जो पुस्तक के जो लेखक है आपके एनी बेसेंट है। तो ये इसका जो सभी पहला सी और डी, ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका हिंद स्वराज है, इसके जो पुस्तक के जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली नहीं है। इसको 1909 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष रद्द की गई थी? 1905 में, 1906 में, 1911 में या 1912 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911, याद रखिए सन को। तो बंगाल विभाजन घोषणा किस वर्ष रद्द की थी? तो 1911 में। कारण इसका क्या था? तो देश में आपके पूरी तरह से आपके देश में हो रहे पूरी तरह से जो भारी राजनीतिक विरोध के कारण सन 1911 में बंगाल को विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो ये आपके राजनीतिक कारण विरोध था, इसी कारण 1911 में बंगाल के विभाजन इसको
रद्द कर दिए गए थे, तो उसको याद रखिएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को ये आपके भारत तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा इसको किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, कुछ आंदोलनों और प्रभावित क्षेत्रों को नीचे दिया गया है, सूची में कौन सा मेल नहीं खाता है। तो एक तरफ आपका आंदोलन दिया है, कौन से राज्य से संबंधित, ऐसे करके इसको इसमें से बताना है कौन सा जो यहाँ पे सूची को गलत है यहाँ पे बताना है। कोल आंदोलन ये आपके असम से संबंधित है, देखेंगे हुआ था नहीं। सन्यासी आंदोलन ये आपके बंगाल से संबंधित है। मोपला आंदोलन ये आपके केरल से संबंधित है। कुका आंदोलन ये आपके पंजाब से संबंधित है। सभी आपके किसान से संबंधित आंदोलन है, जिनके मतलब इनके मतलब फ़ायदा उठाते थे। तो ये खास करके ये आपका सन्यासी आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये आपके करेक्ट है, किसानों से संबंधित आंदोलन है, अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर। मोपला आंदोलन भी ये आपके केरल से संबंधित है। कुका आंदोलन ये भी आपके पंजाब से संबंधित है, किसानों के प्रति जो ये अत्याचार के खिलाफ ये कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसके बाद देखते हैं पहला महम कोल आंदोलन, ये आपका गलत है। कोल आंदोलन जो आपके असम राज्य से नहीं, ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। याद रखिए कोल विद्रोह झारखंड के कुल जनजाति द्वारा जो अंग्रेजों जो सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में इसको चलाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस गवर्नर जनरल ने ड्राक्टिन अपलैप्स की नीति को अपनाया था। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके जो ड्राफ्टिन ऑफ लैप्स इसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो आपके किसके द्वारा इसको अपनाया गया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा, लाडा डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या आपके लॉर्ड इरविन। तो ड्राफ्टिन ऑफ लैप्स नीति या हड़प नीति के नाम से जो जाना जाता है, किसके द्वारा इसको अपनाया गया था, तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको अपनाया गया था, याद रखिएगा। इसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, और उसको व्यवगत के सिद्धांत के आरंभ करता है डलहौजी। इन्होंने इसके अंतर्गत आपके सतारा और आपके जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये झांसी, नागपुर वगैरह, ये आपके इस राज्य को यहाँ पे कंपनी के साम्राज्य में इसको मिला लिया था, इसको विलय कर लिया था। मतलब हड़प नीति थी एक तरह का, तो ये आपके डलहौजी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत का दौरा कब करता है, 1931 में, 1932 में, 1942 में या 1946 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946, याद रखिएगा। तो 24 मार्च 1946 को जो ब्रिटिश कैबिनेट जो मिशन इसके तहत भारत का इन्होंने दौरा किया था 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो पहला सम्मेलन में, दूसरा सम्मेलन में, तीसरा सम्मेलन में, सभी सम्मेलनों में भाग लेना था। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का आपका, ये आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे। याद रखिए तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जो भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो इसको याद रखिए B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। याद रखिए B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर जो सप्रू थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इनके द्वारा भाग लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से तैयार किया गया है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब सफिशेंट, मतलब यही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 94 क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई थी। भगत सिंह, आपके बिपिन चंद्र पाल, राजेंद्र लाहिड़ी या आपके डी है जतिन दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जतिन दास, याद रखिएगा। तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनके जो मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई थी, जतिन दास का। ये आपके जतिन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और जिनकी 1929 में लाहौर में लगभग 63 दिनों तक ये भूख हड़ताल में थे, उसके बाद जेल में इनकी
मौत हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें सर सांडर्स की हत्या में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को भी साथ में फांसी दे दी गई थी। इसको याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको आंसर में भूख हड़ताल के कारण जेल में किसकी मृत्यु हुई थी स्वतंत्रता सेनानी की, तो आपको जतिन दास करेक्ट आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकाप को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मेयो को या विलियम बेंटिक को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मेटकाप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सर चार्ल्स मेटकाप ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है चार्ल्स मेटकाप को। ये भारत के गवर्नर जनरल, इनका जो शासनकाल है 1835 से 36 में, याद रखिएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1835 से 36 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद इनका शासनकाल आया था। फिर प्रेस के प्रति उनके उदार नीति के कारण लॉर्ड मेटकाप को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन याद रखिए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सर चार्ल्स मेटकाप। तो सर चार्ल्स मेटकाप को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1932 का पूना पैक्ट जो अधिनियम है, याद रखिए 1932 का जो पूना पैक्ट है ये आपके खालिस्तान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है, शैक्षिक सुधार से संबंधित है, दलित वर्ग से संबंधित है या संवैधानिक प्रगति से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका दलित वर्ग, याद रखिए। तो 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था ये आपके दलित वर्ग से संबंधित है। कहने का मतलब, जो पूना पैक्ट जो ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों का आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में यहाँ पे जो हस्ताक्षर करके समझौता को यहाँ पे किया गया था। और यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया। तो ये आपके किससे संबंधित है? दलित वर्ग के लिए ये आपके संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे या किसको बनाया गया था? दीवानलाल चमनलाल, एमजी रानाडे, एनजी रंगा या लाला लाजपत राय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है आपके लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। इस यूनियन के जो गठन है कौन से सन में किया गया था? तो सन 1920 में इस गठन का किया गया था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम आईटेक के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। इसमें जो मास्टरमाइंड व्यक्ति थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान या आपके साथ में रोशन सिंह भी थे। तो इसमें भगत सिंह इसको इस जो क्रांतिकारी काकोड़ी षड्यंत्र कांड में संबंधित मतलब शामिल नहीं थे। ये आपका 9 अगस्त 1925 में आपके काकोरी षड्यंत्र जो कांड हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये जो षड्यंत्र है, खास करके काकोरी षड्यंत्र मामला आपके काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा जो इसमें जो मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन, सिमोन आयोग, कैबिनेट मिशन या वेबेल योजनाएं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर कैबिनेट मिशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन कौन से सन में आया था? तो मार्च 1946 में। जितना भी डेट बताता हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेट को भी, तो साथ में इसलिए मैं डेट को भी बताता हूँ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाला जो भारत में आपका कैबिनेट मिशन था, मार्च 1916 में इसको आया था। भारत में आने वाले 30 सदस्य की आपकी समिति आपके इतिहास में कैबिनेट मिशन के रूप में इसको जाना जाता है। मिशन यह जो मिशन है आपका मार्च 1946 में आपका भारत आया थे
और इसके अध्यक्ष किसको बनाया था, लॉर्ड जो पैंथिक लारेस है, इस मिशन के इसको जो आज कैबिनेट मिशन के तहत इसको अध्यक्ष इनको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा नीचे दी गई सूची में यहाँ पे मेल नहीं खाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में हुआ था, ये आपके 1930 में हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कौन से सन में हुआ था, ये आपके 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कौन से सन में हुआ था, ये आपके 1924 में नहीं हुआ था, ये आपका 1 अगस्त 1920 में हुआ था, याद रखिएगा 1924 में नहीं होता। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की उनके द्वारा शुरुआत की गई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इसको स्टार्ट किया थी। इसके दौरान जो स्टूडेंट जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इसके माध्यम से जाना छोड़ दिए थे और वकीलों ने अदालत में जाने से साफ साफ इन लोग मना कर दिए थे, इनकार कर दिए थे, और कई जो शहर वगैरह में जो काम वगैरह करते थे सभी आपका हड़ताल में चला गए थे, खास करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसको लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इस सन 1942 में इसको लाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे मेल नहीं खाता है, तो इसको याद रखिए, कभी कभी इसका एग्जाम में डेढ़ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा, लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है, तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स की बात करूँ तो लगभग यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और कभी कभी वेटेज इसका 8 से 10 क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। आज के डेट में 10 से 15 मिनट आज करंट अफेयर्स में लगाते हो, यकीन मानिए करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, एक भी नंबर आपसे नहीं कटेगा। बस आपको डेली बेस पे आपको पढ़ना है, 10 से 15 मिनट लगाना है, तब आपको इसका मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसका PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में इसका PDF डाल दूँगा, वहाँ से आपको रिवाइज़ करने में मतलब आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।